और इस वक्त की बड़ी खबर जी आपको बता दें, इस वक्त की बड़ी खबर जो कि चंडीगढ़ से सामने आ रही है, आपको बता दें शपथ ग्रहण समारोह की तैयारी को लेकर एक बड़ी बैठक का आयोजन किया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर चंडीगढ़ से आ रही है, जहां शपथ ग्रहण समारोह की तैयारियों को लेकर एक बड़ी बैठक का जो है आयोजन किया गया। आपको बता दें बैठक में हिस्सा लेने के लिए बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मोहन लाल बडोली और प्रदेश महामंत्री सुरेंद्र पुनिया भी पहुंचे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर चंडीगढ़ से, जहां शपथ ग्रहण समारोह की तैयारी को लेकर एक बड़ी बैठक का आयोजन हुआ है और बैठक में हिस्सा लेने के लिए तमाम मंत्री जो हैं वो पहुंच चुके हैं, जिसमें प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बडोली और प्रदेश महामंत्री सुरेंद्र पुनिया भी पहुंचे हैं। हरियाणा निवास पर इस बैठक का आयोजन किया गया है। तो वहीं बीजेपी के राष्ट्रीय सचिव ओपी धनखड़ और पूर्व मंत्री कमल गुप्ता हरियाणा निवास पहुंच चुके हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आपको चंडीगढ़ से बता रहे हैं, जो कि शपथ ग्रहण समारोह की तैयारी को लेकर चंडीगढ़ से सामने आ रही है और एक बड़ी बैठक का आयोजन जो है हरियाणा निवास में किया गया है और तमाम मंत्री जो हैं वो हरियाणा निवास पहुंच रहे हैं, जिसमें बैठक में हिस्सा लेने के लिए बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मोहन लाल बडोली और प्रदेश महामंत्री सुरेंद्र पुनिया पहुंच चुके हैं। तो वहीं बीजेपी के राष्ट्रीय सचिव ओपी धनखड़ और पूर्व मंत्री कमल गुप्ता हरियाणा निवास पहुंच चुके हैं। साथ ही आपको बता दें राज्यसभा सदस्य रामचंद्र जांगड़ा भी हरियाणा निवास जो है पहुंच चुके हैं और बैठक में हिस्सा लेंगे। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, जो कि चंडीगढ़ से सामने आ रही है और शपथ ग्रहण समारोह से जुड़ी है, जिसमें शपथ ग्रहण समारोह की तैयारी को लेकर जो है चंडीगढ़ में एक बड़ी बैठक का आयोजन किया गया है और ये बैठक जो है हरियाणा निवास में आयोजित की गई है, जिसमें तमाम मंत्रीगण जो है वो पहुंच रहे हैं। और अब तक की बात अगर हम करें तो अब तक बैठक में हिस्सा लेने के लिए बीजेपी के प्रदेशाध्यक्ष मोहनलाल बडोली और प्रदेश महामंत्री सुरेंद्र पुनिया पहुंच चुके हैं और बीजेपी के राष्ट्रीय सचिव ओपी धनखड़ और पूर्व मंत्री कमल गुप्ता हरियाणा निवास पहुंचे हैं और राज्यसभा सदस्य रामचंद्र जांगड़ा भी बैठक में हिस्सा लेने के लिए हरियाणा निवास पहुंच चुके हैं। इस वक्त की बड़ी खबर चंडीगढ़ से।